हाय फ्रेंड्स, हमारे पास यह स्विफ्ट गाड़ी। इस गाड़ी में है दिक्कत क्लच की। गाड़ी कंडीशन चेक करो आप। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है क्लच की। इसका क्लच गियर कोई लग रहा है। गाड़ी के अंदर दिखाते हैं आपको। हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी न्यूट्रल स्टार्ट। गाड़ी हो चुकी हमारी स्टार्ट। अब क्लच का झंडे चेक करो। क्लच देख, क्लच फ्री हो गया इसका। अब गियर भी नहीं लग रहा है इसके। गियर भी नहीं लग रहे हैं इसका, इस गाड़ी के अंदर। अब देखते हैं, डायग्नोस करते हैं इस गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या नहीं। आपको चेक करना है, क्लच जमी नीचे रह रहा है इसका। ये देखो, बंद करके लगना गाड़ी के अंदर। बंद करके गर्मी गेम कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे लग रहे हैं गियर। वैसे क्लच फ्री हो रहा था। गाड़ी पर उठाते हैं। गाड़ी पर लगा दिया हमने लिफ्ट के ऊपर। अब नहीं चेक करते हैं। ये देखो, यहाँ से लीक है। ये क्लच बैरिंग इसका लीक है। ये देखो, क्लच बैरिंग लीक है इस गाड़ी का ना। उसका गियर उतारते हैं इसका। ये दिखाते हैं गियर उतार के क्या चीज़ लिया क्या नहीं इस गाड़ी का। हमारे साइड की फिटिंग खुल चुकी है इसकी। एक्सल खोल लिया इसके। एक्सल उक्सल खोल लिया इसके। बस एक्सल थल्ले की फिटिंग खोल के उसके बाद गियर डिसमेंटल करेंगे इसका। गियर डिसेबल करके फिर आपको दिखाते हैं। फिर गियर नीचे उतार के गियर निकाल दिया सर। गियर ऑयल बाकी हमारी फिटिंग खुल चुकी है सारी। ये ठीक है, ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है यहाँ से इसका। इसका गियर के अंदर क्लच के अंदर लीक है। बाकी हमारी फिटिंग खुल चुकी है इसकी। एक्सल एक्सल की सारी ऊपर की फिटिंग आएगी। ऊपर की फिटिंग खोलते हैं इसकी। सारे बोल्ट खुल चुके हैं हमारे नीचे के। माउंटिंग रह गया, माउंटिंग नीचे से खोलते हैं इसको। बाकी हमारा फाल्ट मिल चुका है गियर के अंदर ही है इसका फाल्ट। देखो लाइट चेक करो। ये इंजन की कुछ कंडीशन इस तरह की है इसकी। इंजन की कंडीशन अब बैटरी बूट रिमूव करेंगे इसकी। बैटरी, एयर फिल्टर हो गया, पानी वाला टैंक हो गया इसका, सारा रिमूव करेंगे। फिर आपको चेक कराते हैं गियर नीचे उतार के गाड़ी का इसका।
हमारी फिटिंग खुल चुकी है सारी इसकी। और गेयर नीचे उतारेंगे इसका, हमारे बोल्ट वगैरह खुल चुके हैं सारे, हमारे बोल्ट खुल चुके हैं। बाकी हमारी तारा थोड़ा साइड में हो गई सारी। अब गेयर उतारेंगे नीचे, डाउन करेंगे। फ्रेंड्स हमारा गेयर उतर चुका है, हालत देखो उसकी, टूट गया बैरिंग अंदर से ना, ये बैरिंग है इसका, खराब हो गया बैरिंग ये। यदि हमारा क्लच बैरिंग है ना, काम नहीं कर रहा ये, और ये पैडल नीचे डाउन जा रहा था ना, प्रेशर नहीं था ना बैरिंग के अंदर, ये है प्रेशर, प्रेशर निकल गया सारा इसका। देखो क्या हाल है, गोलियां। अब डालते हैं इसको, बैरिंग को पाते हैं गाड़ी के अंदर, क्लच बैरिंग। फ्रेंड्स ये पाएंगे हम क्लच प्लेट नहीं इसके अंदर, MGB क्लच प्लेट। ये पुराने वाली है, ये देखो कितनी रिपटा, कितनी नीचे आगे चली गई ना। और इस वाली देखो, ये हमारा क्लच बैरिंग है हाइड्रोलिक। आप पाएंगे गाड़ी के अंदर, इसको इसके अंदर करेंगे गेयर के अंदर। फ्रेंड्स अब चलाते हैं गेयर इसका, क्लच बैरिंग लग चुका है हमारा। क्लच प्लेट भी लग चुकी है इसके अंदर, और चढ़ाएंगे गियर इसका, फिर आपको फुल वीडियो दिखाते हैं इसकी, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स हमारी फिटिंग हो चुकी है, अब हवा निकालेंगे इसकी। बना क्लच बना, यहाँ से हवा निकलेगी इसकी। चलो चलो बना, एक बारी हो रहे हैं, निकल गई फ्रेंड्स हमारी हवा। फ्रेंड्स हमारी गाड़ी हो चुकी है ओके, सारी फिटिंग हो चुकी है इसकी, दिखाते हैं आपको अंदर से इसको। बाकी तो हो गए इंजन के बड़े गोली पूरा गाड़ी का, देखो क्लच देखो, पहले कैसे फील हो रहा था क्लच, अब ठीक हो गया हमारा क्लच। और स्टार्ट करते हैं इसको, इग्निशन ऑन। गाड़ी हो चुकी है हमारी ओके, जिसका हमने काम किया इसका। कर दी फ्रेंड्स हमारी गाड़ी हो चुकी है ओके, जिसकी हमने क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील बैरिंग पाया इसका।
एक्सीडेंट में बैठ गया था, गाड़ी अभी पहले ही मलाई बन गई है। कैमरा मैन आगे फोटो दिखाओ कैसे चल रही है गाड़ी, देखो थोड़ा ट्रैफिक है, गाड़ी जा रही है नीचे निकलती जा रही है गाड़ी, हमारी गाड़ी हो चुकी है ओके। ये गाड़ी जिसकी हमने क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट पाई है, गाड़ी हो चुकी है हमारी 00। गाड़ी कंडीशन चेक करो, गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है।